जो सभी गाड़ियाँ बाहर से परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को ला रही हैं, वो सभी गाड़ियाँ वहाँ अपने परीक्षार्थियों को छोड़ करके और उसके लिए 5 पार्किंग स्थल निर्धारित किए हैं, जो अपनी गाड़ियों को वहाँ से वहाँ पार्किंग में ले जाएंगे ताकि रात्रि में शहर में कोई परेशानी ना हो किसी को। जिन्होंने हम स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल लाइफ में उतरने के लिए इस काबिल बनाया। छब्बीस सितंबर रविवार को रीट परीक्षा के दौरान अजमेर शहर की यातायात व्यवस्था में किया बड़ा बदलाव। अजमेर शहर में बाहर से आने वाले वाहनों की पार्किंग शहर से बाहर ही कराएगी यातायात पुलिस। 26 सितंबर रविवार को प्रदेश भर में होने जा रही रीट परीक्षा 2021 को लेकर अजमेर जिला प्रशासन भी सतर्क और मुस्तैद है। वहीं यातायात विभाग ने भी अजमेर आने वाले हजारों अभ्यर्थियों की भीड़ के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए हैं। ट्रैफिक CO पार्थ शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों के निजी वाहनों को अजमेर शहर के ट्रैफिक को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए यातायात विभाग द्वारा रीट परीक्षा के लिए ट्रैफिक रूट चार्ट बनाया गया है। इसके लिए शहर के 5 अलग अलग मुख्य मार्गों के मुहानों पर चेक पोस्ट बनाई गई है। नौसरघाटी, नई RPSC, मदार चौकी, माखूपुरा, पुरानी चुंगी, रामगंज, इन 5 स्थानों पर चेक पोस्ट बनाई गई है, जहां ट्रांसपोर्ट कार्यालय के अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहेंगे। इनके पास पहुंचने वाले समस्त वाहनों को नज़दीकी बनाए गए पार्किंग स्थल पर पार्क कराने की व्यवस्थाएँ की गई है। इसके अलावा जब परीक्षा खत्म होगी उसके बाद परीक्षार्थियों को वापस ले जाने के लिए बनाए गए शहर के 4 अलग अलग SI बस स्टैंड पर इन वाहनों को भेजकर परीक्षार्थियों को वहीं से रवाना कर दिया जाएगा, ताकि शहर का यातायात ना बिगड़े। पार्थ शर्मा ने अजमेर वासियों से अपील की है कि रविवार को अगर बहुत ही आवश्यक हो तो ही घरों से निकलें, अन्यथा घरों में ही रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इससे ट्रैफिक जाम की परेशानी से मुक्ति मिल सकेगी। व्यवस्था देगी कल को रीट के एग्जाम को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था की? रीट के लिए ट्रैफिक व्यवस्था आज से शुरू हो गई है। हमने सबसे पहले तो जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं वो शहर को डिस्टर्ब ना करें, इसके लिए 5 जगह तैनात किए हैं हमारे, जो चेक पोस्ट बनाए हैं हमारे साथ में सहयोग में ट्रांसपोर्ट कार्यालय भी है, और इसके अलावा जैसे ये प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। ये जो 5 जगह हमने तय की है चेक पोस्ट, उसमें एक चेक पोस्ट तो है जो नौसरघाटी है, दूसरा नई RPSC है, तीसरा मदार चौकी है, चौथा माखूपुरा है, 5वां पुरानी चुंगी रामगंज है। ये जो जितनी गाड़ियां बाहर से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को ला रही हैं, वो सभी गाड़ियां वहां अपने परीक्षार्थियों को छोड़ करके और उसके लिए 5 पार्किंग स्थल निर्धारित किए हैं, जो अपनी गाड़ियों को वहां से वहां पार्किंग में ले जाएंगे ताकि रात्रि में शहर में कोई परेशानी ना हो किसी को भी। ये व्यवस्था आज की रहेगी, जिसमें जितने परीक्षार्थी आ रहे हैं उन परीक्षार्थियों को उतार करके वो उन 5 जो हमारी जगह है वहाँ चले जाएंगे, जैसे नई RPSC जो है वहाँ उतार करके और कायर की तरफ जा सकते हैं, कार पार्किंग कर सकते हैं अपनी, जो माखूपुरा है वो लोग अपनी गाड़ियों को वहाँ से बच्चों को उतार करके और वहाँ से बिड़ला वाटर पार्क में पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो रामगंज की तरफ पुरानी चुंगी की तरफ से आ रहे हैं वो लोग अपनी गाड़ियों को वहाँ से वो चंद्रवर्धन स्टेडियम है स्टेडियम के बाहर खड़ी कर सकते हैं रात्रि के लिए। और इसके अलावा जैसे ये क्या बोलते हैं जो नौसरघाटी है, नौसरघाटी का जो बस स्टेशन है वो बस स्टेशन के यहाँ उस बस स्टेशन में सारी गाड़ियाँ रात को उतार कर वहाँ चले जाएंगे, वहाँ पार्क कर लेंगे। ये सभी करीब करीब पार्किंग स्थल हैं जिनको हमने गाड़ियाँ पार्किंग की व्यवस्थाएँ रखी हैं। अब कल जब एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में 12:30 बजे जो कंप्लीट होता है उसके बाद में, और इसके अलावा
शाम को जब 5 बजे जब सारा एग्ज़ाम ख़त्म होता है, उस दौरान जो हमने 4 अस्थायी बस स्टैंड लगाए बनाए हैं, उन 4 बस अस्थायी बस स्टैंड के ऊपर अपनी गाड़ियाँ लाएंगे और वहाँ से सारे जो परीक्षार्थी हैं वो वहाँ जा कर के अपनी गाड़ियों में बैठ कर वापस अपने गंतव्य पर जा सकते हैं। जैसे एक बनाया है हमने आदर्श नगर की तरफ जो बनाया है वो 7 पिपली बालाजी वाला मंदिर है, वहाँ बनाया है, तो सारी गाड़ियाँ जो है वो वहाँ लग करके वहाँ से विद्यार्थी बैठेंगे और वापस अपने गंतव्य की तरफ चले जाएंगे। इसके अलावा रामगंज में गवर्नमेंट कॉलेज के हम बनाया है, रीजनल चौराहे के ऊपर बनाया है, रीजनल कॉलेज के बाहर बनाया है, और नई RPSC के यहाँ बनाया है, तो ये यहाँ सारी गाड़ियाँ लगेंगी और यहाँ से जो अभ्यर्थी हैं वो जो गाड़ियाँ लेकर आए हैं वो भी अपनी गाड़ियों में जा सकते हैं। और इसके अलावा हमने भी प्रबंध किए हैं, यहाँ रोडवेज का प्रबंध है और बसेस का प्रबंध है, DTO ने अपने और RTO साहब ने प्रबंध किया है, जो गाड़ियाँ खड़ी रहेगी जहाँ से मैक्सिमम संख्या में अभ्यर्थी आ रहे हैं उनकी गाड़ियाँ तो हमने वहीं खड़ी कर दी है ताकि वो वहाँ से बैठ करके अपने अपने गंतव्य पर जा सकते हैं। 3-4 मोटी जगह हैं जहाँ से जो उदयपुर की ओर जाने वाले हैं उनके लिए गाड़ी मिलेगी, जयपुर की ओर जाने वाले उनके लिए गाड़ी मिलेगी, जोधपुर जाने वाले उनके लिए गाड़ी मिलेगी। उसके अलावा भी अगर वो अभ्यर्थी हैं जिनके पास जाने का कोई साधन नहीं है, जो गाड़ी से नहीं आए हैं, तो बस स्टैंड से अपनी गाड़ियाँ प्राप्त कर सकते हैं, बस स्टैंड पर भी अदर जगह जाने की गाड़ियाँ उपलब्ध होंगी। मार्केट में जैसे जाम वाम लग जाता है तो उसके लिए हमने पर्याप्त ट्रैफिक व्यवस्थाओं का पर्याप्त जाप्ता किया हुआ है, जिसमें हम लोग जब ये परीक्षा सुबह जब परीक्षा शुरू होती है तो उस दौरान परीक्षा शुरू होने के दौरान हमने सभी जगह जो परीक्षा सेंटर हैं जहाँ पे कई गाड़ियाँ आ सकती हैं छोटी बड़ी, उन सबको पार्क ढंग से हो जाए और आम आदमी को परेशानी ना हो, उसके लिए भी हमने गाड़ी की पार्किंग व्यवस्थाएँ माकूल की हैं। और इसके अलावा जब ये परीक्षा छूट करके अभ्यर्थी जाएंगे तब भी हमने कुछ हिस्सों को जो है वो वन वे किया है और कुछ हिस्सों से गाड़ियों को डाइवर्ट किया है। मोस्ट प्रॉब्ली एक तो जैसे ये पुरानी RPSC के यहाँ से बस स्टैंड की तरफ जाने वाला रास्ता है वो वहाँ से हम गाड़ियों को टर्न दे देंगे और वो इस तरफ निकल जाएंगे, आज़ाद पार्क से होते हुए इस तरफ निकल जाएंगे सावित्री की तरफ, और जो गाड़ी इधर से आने वाली है रीजन उधर से पुरानी जो चौपाटी है या जिसको टी पुलिया कहते हैं जवाहर रंगमंच की उस तरफ, वो गाड़ियाँ सीधी वहाँ से निकल के बजरंगगढ़ होते हुए बजरंगगढ़ से सीधी अपने पटेल मैदान के यहाँ से जो रास्ता सीधा हो जाएगा। इसके अलावा राजा सर्किल से हम गाड़ियों को बाहर निकाल देंगे या जिनको अंदर आना है वो राजा सर्किल से सीधा अंदर जो रास्ता आता है तोपदड़ा होता है, और तोपदड़ा रास्ते से छोटी गाड़ियाँ आ सकती है, बड़ी गाड़ियों की आवाज़ाही बिल्कुल बंद रहेगी, है ना इस प्रकार। और जैसे अगर किसी को शहर में आना है रामगंज की तरफ से आ रहा है उसको आना है तो वो पड़ाव की तरफ से आ सकता है, ठीक है। तो व्यवस्था हमने पूरी माकूल करने की कोशिश की है, वन वे भी किए हैं और बहुत सारे बंद भी किए हैं, कुछ चालू भी किए हैं, और आम जनता से थोड़ी अपील भी की है कि स्पेशली जब कल थोड़ा सा शहर में बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो यथासंभव हो तो उस समय जब ये रश का दौरान हो उस दौरान थोड़ा सा आप लोग भी बाहर ना निकलें तो ठीक रहे, अननेसेसरी यातायात में कहीं फंस जाएंगे, हो सकता है कहीं लंबा जाम भी लग जाए, कुछ और भी हो जाए, तो कल के लिए थोड़ा सा ये है कि 2-3 घंटे का जब भी समय है उस दौरान थोड़ा सा आम जनता जो है वो भी अपने घरों में रहे यथासंभव, अगर ज़रूरी काम है तो जाएं, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे किसी भी आदमी को नई परेशानी हो, लेकिन फिर भी कल चूंकि बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं तो थोड़ा सा उसको देखते हुए ख्याल रखें जी।